यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रायंस ने खुद को कैंसर होने की जानकारी देते हुए फैंस को गहरा झटका दिया था। WWE के इस बड़े सितारे ने बताया था कि वह पिछले 11 साल से लीकीमिया बीमारी से लड़ रहे हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई गई कि वह किसी दिन दोबारा रिंग में लौटेंगे। इस गंभीर बीमारी के चलते रेंस ने अपना यूनिवर्सल खिताब तक त्याग दिया। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं जब किसी रेसलिंग दुनिया का कोई सितारा ऐसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा हो। आइए एक नज़र डालते हैं ऐसे पहलवानों पर जिन्होंने कैंसर होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और दोबारा जोरदार वापसी की। जिम डगन 1988 के सबसे पहले रॉयल रंबल विजेता थे। 7 सितंबर 1998 को उन्होंने खुद को कैंसर होने की जानकारी देकर दुनिया को हिला दिया था। शुक्र था कि इस गंभीर बीमारी का पता उन्हें शुरू में ही चल गया, जिसके बाद प्री-मैच्योर स्टेज में ही बीमा की मोथेरेपी के उनका इलाज हुआ और 6 माह के भीतर ही उन्होंने दोबारा रिंग में वापसी की। जय गोविन गोविन को WWE के पहले एक पैर वाले विकलांगता पहलवान के रूप में जाना जाता है। रॉयलेसनर द्वारा की गई उनकी पिटाई आज भी लोगों को कंपकपा देती है। बावजूद इसके गोविन के संघर्ष की कहानी अपने आप में एक मिसाल है। बचपन में ही कैंसर हो जाने के बाद उन्हें अपनी एक टांग गंवानी पड़ी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक प्रो रेसलर बन WWE में अपनी चमक बिखेरी। क्रिस ट्राविस युवावस्था में ही दुनिया को अलविदा कहने वाले ट्राविस ने बेहद कम उम्र में ही रेसलिंग की दुनिया में अपना बड़ा नाम कमाया। 2014 में पेट के कैंसर के बाद उनका करियर ग्राफ धड़ाम से नीचे गिर गया। CM पंक क्रिस जेरिको विलियम रीगल जैसे कुछ रेसलर्स ने ट्राविस के इलाज के लिए फंड इकट्ठा करने की भी कोशिश की थी। 2015 में बीमारी से उबरने के बाद उन्होंने वापसी की जरूर कोशिशें की, लेकिन आखिरकार 31 मार्च 2016 को उनकी मौत हो गई। मिशेल मैकूल अंडरटेकर ने जून 2010 में मिशेल मैकूल नाम की महिला से तीसरी शादी की, जो खुद भी एक रेसलर है। इन दोनों का एक बेटा भी है, जिसका जन्म 12 अगस्त 2011 को हुआ था। 2016 में मिशेल को स्किन कैंसर का पता लगा, तो बार की विश्व विजेता मिशेल ने इसके बाद हिम्मत नहीं हारी और 7 साल बाद साल की शुरुआत में विमेंस रॉयल रंबल से एक बार फिर रिंग में वापसी की। जेड न्यूज की रिपोर्ट।